लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएसपी के सदस्य और पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर राम समुझ ने आज बीएसपी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूं और शेड्यूल कास्ट से अपील करता हूं कि लोकसभा के इस महापर्व में गठबंधन 80 में से 77 सीट पर लड़ रहा है और लोकसभा चुनाव का मकसद यही होता है कि केंद्र में सरकार वही पार्टी बना पाएगी जो 272 के ज़्यादा हुई आंकड़े को छू सके, इसलिए 77 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे कोई सरकार बनाने की संभावना नहीं है और ये लोग केवल जोड़ तोड़ मोल भाव करके अस्थायी सरकार की संभावना पर लड़ रहे हैं कि मोदी जी को बहुमत स्पष्ट ना मिले तो जोड़ तोड़ कर सरकार बनाए और मिलीजुली सरकार बनाए। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लोगों से आह्वान है कि मजबूत सरकार देने के लिए मोदी जी को अपना वोट दें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर राम समुझ ने कहा, मैं डॉक्टर राम समुझ एक्स कमिश्नर इनकम टैक्स और बीएसपी को छोड़ के मैं पिछला चुनाव बीएसपी के लड़ा था, मैं बीजेपी ज्वाइन किया हूं और मैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हूं। खास करके मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही आह्वान करता हूं कि लोकसभा के इस महापर्व में गठबंधन जो है कुल उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से 77 सीट पर लड़ रहा है और लोकसभा के चुनाव का मकसद ये होता है केंद्र में सरकार बनाना, तो केंद्र में सरकार वही पार्टी बना पाएगी जो 272 के आंकड़ा को जादुई आंकड़ा को छू पावे। चूँकि ये लोग 77 सीट पर ही लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और कहीं लड़ भी नहीं रहे हैं तो इनसे जादुई आंकड़ा छूने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए इनसे कोई सरकार बनाने की संभावना नहीं है और ये लोग केवल जोड़ तोड़ मोल भाव करके और सरकार अस्थाई जब ये इस संभावना पर लड़ रहे हैं कि जब मोदी जी को बहुमत स्पष्ट नहीं मिला तो हम लोग मोल तोल करके सरकार बनाएंगे और मिलीजुली सरकार बनाएंगे। मिलीजुली सरकार का कोई मतलब नहीं होता, पुराना अनुभव बहुत ख़राब है और देश को कई बार मध्यावत चुनाव से गुजरना पड़ा है, इसलिए जागरूक जनता से और मतदाताओं से आह्वान है कि अस्थाई सरकार देने के, मजबूत सरकार देने के मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दें। दूसरी बात यह है कि मेरे अनुसूचित जात के लोगों से आह्वान ये है कि बहन जी दलितों की नेता बनती हैं, खास करके चमार कमेटी की नेता बनती हैं, लेकिन इन्होंने चमार जातियों का जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात के अंतर्गत 66 जातियाँ आती हैं और 66 जातियों में से केवल चमार, जाटो, कुरील, अहिरवार, दोहरे, धुसिया, झुसिया जो सभी चमार जात के इस अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं उनकी संख्या 57% से भी ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने इस कमेटी को ऐसा पॉलिटिकल अछूत बना दिया है कि उस गांव में, उनके गांव में कोई वोट मांगने नहीं जाता है, कोई पार्टी टिकट ही नहीं देती है। एक ज़माना था जब तक इनका अभ्युदय नहीं हुआ था तब तक चमार कमेटी के लोकसभा में 12 से 14 उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेटिव होते थे 17 में से 18 में से, लेकिन आज सिमट कर केवल 2 रह गए। ये तो इनके वजह से ही कोई भी इस कौम को न तो टिकट देता है, न टिकट नहीं देता तो चुनाव जीतने के नहीं है। आज परिस्थितियाँ ये बन गई हैं कि केवल 2 चमार कमेटी से पार्लियामेंट में बीजेपी के टिकट पर एमपी हैं और आज भी दो ही लोग लड़ भी रहे हैं वर्तमान में। तो इस तरीके से चमार समाज और अनुसूचित पूरे समाज को मेरा आह्वान है कि वे लोग भी जात के आधार पर न पहचान करके पॉलिटिकल पार्टी को उसे गुण दोषों के आधार पर पहचान करें और जो उनके हितकर हो केवल उसके जात का है इसलिए उसको वोट देना है ये कोई ज़रूरी नहीं है, जो उनके लिए हितकर हो उसको वोट दें। और हम 5 साल का विगत 5 साल का अनुभव है कि मोदी जी ने जो जितनी भी स्कीमें चलाई हैं उसमें अधिक से अधिक लाभान्वित तो लोग जो हैं वो अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्ग के लोग और महिलाओं का सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा है, इसलिए गुण दोष के आधार पर देखा जाए, अस्तित्व के आधार पर देखा जाए, स्थायी नेतृत्व के आधार पर देखा जाए तो मोदी जी सबसे सक्षम व्यक्ति हैं, इसलिए उनको वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाया जाए, यही हमारा आह्वान है।